हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं आसिफ इकबाल, फिजिक्स टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं। और आई होप कि आप लोगों ने पहला पार्ट ज़रूर देख लिया होगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का। तो आज हम लोग इस दूसरे पार्ट में आ गए इस चैप्टर के। मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना। तो आपको कई पार्ट में से देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग दूसरे पार्ट पर बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी एक बार हम उसे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल, राइट। तो आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स पढ़ा था। ये आपकी मॉड्यूल है जो आपके सामने डिस्प्ले है, आपको दिख रही है, है ना। ये मॉड्यूल आपके पास होगी, फिजिकल फॉर्म में होगी, हार्ड कॉपी होगी आपके पास, नहीं होगी तो पीडीएफ में होगी, ठीक है। तो बहरहाल हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स पढ़े थे, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, साथ में मैंने आपको बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा दिया था, आपको याद होगा। और बायो सेवर्ट लॉ में ये फॉर्मूला निकल करके आपके सामने आया था। उसके बाद हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन किया था, अगर आपको याद हो तो। और इस एप्लीकेशन की मदद से एक फाइनाइट लेंथ का वायर, यानी कि जिसकी लंबाई लगभग फिक्स्ड हो, लगभग निश्चित हो, उसका हम लोगों ने किया, निकाला, उसका कैलकुलेशन किया। उसके बाद हम लोगों ने इसी में एक स्पेशल केस है, इसके एक छोर पे, इसके एक एंड पे हम लोगों ने जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने फाइनाइट लेंथ के बाद इनफाइनाइट लेंथ के वायर पे गए और वहाँ पर दोनों एंड्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, याद आ रहा होगा आपको। और फिर हम लोगों ने एक एंड पे भी निकाला था, याद होगा, राइट। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। पार्ट वन को ज़रूर देखिए, तभी आपको पार्ट टू देखने का फ़ायदा है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें ध्यान दी थी। पहली बात ये ध्यान दी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म पैदा होती है। एक करंट कैरिंग जो वायर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई वायर है उसके सीध में, उसके लेंथ के अलोंग, यानी जैसे ये वायर रखा हुआ है ना, इसके अलोंग कहीं पर भी कोई बिंदु है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी ज़ीरो, ठीक। तो ये दो बातें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक इस के इस डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया है आपसे, इसके डायरेक्शन का कोई जिक्र आपसे अभी नहीं हुआ है। तो डायरेक्शन का जिक्र हम लोग पहले कर लेते हैं। अगर एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, आपके मॉड्यूल में 2.4.3 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दिया है, यहाँ पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जिक्र जो इन्होंने किया है, देखिएगा किसका, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जिक्र किया है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। आइए इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, भाई और बहनों, बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि अक्सर क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये होती है, लोग डायरेक्शन को समझ नहीं पाते। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि डायरेक्शन आखिर होती कैसी है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने के लिए और जानने के लिए आपका 3D इमेजिनेशन होना चाहिए। यदि आपका 3D इमेजिनेशन अच्छा नहीं है तो आप डायरेक्शन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें सिखाऊंगा आपको वो 3D इमेजिनेशन है, कुछ पिक्चर्स भी है मेरे पास, उसके ज़रिए भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए पहले 3D इमेजिनेशन कराते हैं और आपको समझाते हैं। तो एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, ठीक, एक करंट कैरिंग वायर लेंगे, एक डंडी दीजिए, ये देख लीजिए, आप इसे एक करंट कैरिंग वायर मान लीजिए, ठीक है, राइट। इसमें ये एरो आपको दिख रहा होगा, तो ये एरो है जिसकी डायरेक्शन में करंट जा रही है, ठीक, ऑल राइट। और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, कितनी पैदा हो रही है उसका कैलकुलेशन हमने बायो सेवर्ट लॉ में किया। ये जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये वायर है अगर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो इस तरह की होगी, ऐसी कई लाइनें होंगी
जिसका सेंटर खुद ये वायर होता है। तो अगर आपके दिमाग में मैं वायर बोलूं, तो वायर से आपके दिमाग में एक बात समझ में आनी चाहिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके चारों तरफ, वो कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में होंगी। यानी कि इसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक पिक्चर है, उस पिक्चर के जरिए भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई और बहनों, कि वो आपको दिख जाए। ऑलराइट, दिखाता हूं आपको। राइट, ये देखिए, दिस वन, ठीक है, ये है वायर, और इस वायर के चारों तरफ ये कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में आपको दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक चीज का और मैं आपसे कहूंगा कि फर्क है, उस फर्क को समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या फर्क है उसको समझिएगा, देखिए बहुत क्लियर कट समझिएगा। जैसे ये वायर है और ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक, और मैंने कहा कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में है। होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, जो कंसेंट्रिक सर्किल होगी उसका सेंटर खुद ये वायर होगा। ठीक, मैं इसको और थोड़ा क्लियर बनाने के लिए काम करता हूं कि मैं ये सपोज करता हूं कि ये जो मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वायर है। यानी अगर मैं आपके सामने वायर यूं बना दूं, समझिएगा थोड़ा सा, ये वायर है जिसमें करंट जा रही है। अब डायग्राम में देखने में तो कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन आपको क्या इमेजिन करना है कि एक वायर है जो इस बोर्ड के आर पार जा रही है, राइट, और करंट इनवर्ड जा रही है। समझ में आ गया, ये वायर है, ये आपको जैसा दिख रहा है ये एक वायर है, वायर दिख नहीं रहा है ये यूं, पर बनाया मैंने यूं। इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल्स मुझे बनानी होंगी, ध्यान से समझिएगा। अब मैं जा रहा हूं कंसेंट्रिक सर्किल बनाने, तो ये रही कंसेंट्रिक सर्किल, देखिए, जो जब आप वायर के पास में होंगे तो सर्किल्स पास पास होंगी, फिर धीरे धीरे दूर दूर होती चली जाएंगी। ऐसा क्यों, ऐसा समझिएगा, राइट। ये जो आपको मैंने रेड रेड वायर बना, अब देखिए आप या तो ऐसे बना लेते या मैंने वायर करके यूं बना लिया, ठीक। अगर आप देखें तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी वो अलग अलग आएगी और मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। क्लियर, तो किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है भाई और बहनों, वो कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसका सेंटर खुद ये वायर होता है, जिसका सेंटर खुद ये वायर होता है। अभी तक आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर हम समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है ये भी समझ गए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा। आपको याद होगा आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की खूबी पढ़ी थी। अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते थे तो आपको नेट फील्ड पता चल जाती थी, याद आ रहा आपको। तो अगर मान लो आपको कहीं पर भी फील्ड का डायरेक्शन जानना है, मान लीजिए यहां जानना है, तो यहां पर आपको क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट। पर एक समस्या है समस्या क्या है समस्या यह है भाई और बहनों कि टेंजेंट इधर भी हो सकता है और टेंजेंट इधर भी हो सकता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा टेंजेंट खींचे, अगर मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की का डायरेक्शन निकालना है तो मुझे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। लेकिन टेंजेंट तो दो दो पॉसिबल है, तो कौन सा टेंजेंट लिया जाए भाई और बहनों, राइट। तो इसलिए हमें करना क्या होगा कि हमको किधर की ओर टेंजेंट खींचना है यह कैसे पता चलेगा, यह बात हमको जानना जरूरी है, राइट। हमें टेंजेंट तो खींचना है, जैसे मुझे यहां टेंजेंट खींचना है, लेकिन टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा यह कैसे जाने, इसके लिए हमको इन लाइन ऑफ फोर्स की ओरिएंटेशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी,
लाइन ऑफ फोर्स की ओरिएंटेशन। देखिए मैं लिख रहा हूं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो भैया पहला चीज एकदम क्लियर है कि अगर स्ट्रेट सेगमेंट होगा तो फील्ड कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होगी। अब दूसरा स्टेप यह है कि इस सर्किल का ओरिएंटेशन किधर होगा, इनका घुमाव किधर होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। उसके लिए आपके पास में कई रूल है लेकिन मैं आपको बताऊंगा राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप देखें तो जो अंगूठा है आपका वो आपको करंट के डायरेक्शन में रखने से ये रहा, ठीक है। अगर आपने वायर यूं पकड़ा, ये वायर है, और आपने इसको अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख दिया तो आपकी जो उंगलियां होंगी ये ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। किसे बताने वाली हैं? ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आप देखें, इस केस में देखें तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ करंट यूं है ना, तो करंट अगर यूं है, अंगूठा यूं रखिए तो ओरिएंटेशन ये आएगा। यानी इन सभी जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स हैं इनका ओरिएंटेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इट इज लाइक दिस, ठीक, ओरिएंटेशन यू है। तो अगर मुझे इस जगह पर फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा ऐसे। यहां निकालना है तो यू टेंजेंट आएगा, यहां निकालना है तो यू टेंजेंट आएगा, यहां निकालना है यू टेंजेंट आएगा, ठीक। कहीं पर भी आपको अगर फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फील्ड का ओरिएंटेशन और दूसरे नंबर पे टेंजेंट, ठीक। सबसे पहले फील्ड का ओरिएंटेशन और दूसरे नंबर पे टेंजेंट। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर ये है, ठीक, और इसमें देखिए करंट यूं जा रही है ना ऊपर की तरफ। अब मुझे इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड निकालना है, समझिएगा, इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड निकालना है। एक बात श्योर शॉट है मेरे दिमाग में कि जो फील्ड पैदा होगी वो कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होगी। किस रूप में होगी? कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में। अगर मुझे यहां पर फील्ड निकालना है तो मैं इसको सेंटर मान करके अगर एक सर्कल की कल्पना करूं तो ये इस सर्कल के पेरिफेरी पर आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है? ओरिएंटेशन निकाल लें हम। ओरिएंटेशन निकल गया, और जैसे ही ओरिएंटेशन निकलता है हम यहां पर क्या करें, टेंजेंट खींच दें, हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ओरिएंटेशन ये बात श्योर है कि कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होगी, ठीक बात है, ये बात श्योर होगी कि कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होगी। और ओरिएंटेशन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, और राइट हैंड रूल से ओरिएंटेशन निकाल के किसी भी पॉइंट पर क्या करेंगे आप, टेंजेंट खींच देंगे। सिंपल है, वेरी इजी है ना। अरे हाँ या ना, सही बात है। देखो जितने भी लोग आप लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो वीडियो लेक्चर के जरिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डिसिप्लिन होकर के बैठिए। मैं हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ, हर वीडियो लेक्चर में ये बात कहता हूँ, और जब भी वीडियो देखने बैठिए तो पूरा देखिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा देखा मज़ा नहीं आ रहा चलो फिर दूसरा देख लेते हैं, है ना, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट तो है नहीं, ये लर्निंग है, एजुकेशन है। और एक बात बहुत ही अजीब सी होती है, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने मन के खिलाफ भी जाना पड़ता है, तो जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर थंब जो आपको देने वाला है भाइयों बहनों, थंब क्या देने वाला है आपको, थंब अगर आपने फील्ड की करंट की डायरेक्शन में किया तो कर्लिंग जो फिंगर्स होंगी वो आपको फील्ड लाइन का पैटर्न देंगी, यानी वही ओरिएंटेशन देंगी। आपके पास मॉड्यूल होगा तो आप यहाँ पर ओरिएंटेशन शब्द लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिएंटेशन, ठीक है। और चाहो तो वो राइट हैंड रूल भी बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट हैंड यहाँ पर बना लीजिएगा, है ना, ये जगह खाली इसी के लिए है, तो आप चाहिए तो ये बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे मॉड्यूल में बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स लेके बैठे हैं तो नोट्स बना लीजिए, ठीक। ये करंट है ना, दिस वन इज करंट एंड दिस इज बी, ठीक, राइट हैंड रूल, ठीक है। ठीक, और ये चाहो ये भी बना सकते हो, ये वाला आप चाहो नोट्स में बना लो, ये तो मिलेगा नहीं आपको ना,
तो इसीलिए नोट्स बना रहा हूँ। ठीक, ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है यहां पर, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आई होप आपने इसको बना लिया होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम तो पेपर पे बनाते हैं, यूं ये बनाया और मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर पे दिखाते हैं, इस पे दिखाते हैं, दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, है ना, इस पे दिखाते हैं, इस पे दिखाते हैं, राइट। तो अगर पेपर के प्लेन में वायर रखा है तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि किस तरह की लाइन बनेगी, क्या इमेजिनेशन होगा। ठीक है, एक मॉड्यूल है ये, मैं आपको दिखाता हूं, है ना, मॉड्यूल है ये, और ये रिंग। ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत अच्छी बात, ये आपका मॉड्यूल है, मैं मॉड्यूल पे ही दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे ये आपकी कॉपी है या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये कॉपी है, ठीक। अब ये जो कंडक्टर है ये इसके प्लेन में आपने बनाया, राइट, बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, जरा इसका हम चर्चा करते हैं, इसकी हम जिक्र करते हैं, जिक्र आपको थोड़ा इमेजिन कराने के लिए। तो मैं कलीम सर को कहूँगा कि आ जाइए आप, प्लीज़ मास्क लगा लीजिए, इधर आ जाइए, जब देखिए इसको पकड़ लीजिए, आप इमेजिन करिए कि ये आपकी कॉपी है या आपकी नोट्स है, उस नोट्स पे हमने ये बनाया, जैसे ये पीछे बना हुआ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ये कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में कर रहा होगा, किस फॉर्म में कर रहा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में। अगर मैं देखूं यहां, थोड़ा हटाइए, हाँ फिर पकड़िए, इस तरह से होगा, समझिएगा, थोड़ा फील लाना है आपको, यानी ये सर्किल होगा, अगर हम खड़े होकर के यहां पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आधा सर्किल ऐसा होगा और आधा सर्किल इस बोर्ड के पीछे से घूम के जा रहा होगा, सही है। मुझे इस बोर्ड पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सबसे पहला काम क्या है, इस सर्किल का हम ओरिएंटेशन जाने, करंट ऊपर जा रही है, राइट हैंड रूल लगाइए, ओरिएंटेशन यू, यू बन गया, यू जा रही है। अब आप जरा गौर करके देखिएगा, अगर मुझे इस पेपर पे निकालना, इस पेपर पे बात कर रहा हूं, टेंजेंट खींचूंगा तो कैसा आएगा, इनवर्ड, और यहां टेंजेंट खींचूंगा तो एक घूम के पीछे से आउटवर्ड। तो अगर पेपर पे देखूं तो लग रहा है इनवर्ड और आउटवर्ड, पेपर के ठीक ऊपर इनवर्ड नहीं है, यूं है, यूं, यूं। अगर हम वायर के यहां पर देखें तो यूं है फील्ड। अगर आपने वायर ऐसे बनाया है, एक मिनट के लिए हटाइए, तो इसका मतलब फील्ड यूं नहीं है, फील्ड यूं नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, फील्ड यूं है, यूं ऐसे, तो इसमें घुस रही है, इधर इनवर्ड हो गई और इधर से निकल रही है तो आउटवर्ड हो गई, दिस वन इज बी, दिस वन इज बी, ठीक। लेकिन आप इस गलत फहमी का शिकार मत होइएगा कि यहां इनवर्ड है तो ऐसे लाइन होंगी सीधी सीधी, यहां निकलती ना, ऐसे लाइन होगी यूं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ठीक है, आधा बाहर पीछे और आधा आगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है, समय आ गया आपके। अच्छा, अगर आप देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, क्यों, क्यों, क्योंकि ये जो वायर होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है या नॉन यूनिफॉर्म, आपने पढ़ा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, समझ में आ गया आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या मामला है और क्या कहानी है। ये देखिए, एक फिगर आपके सामने है, है ना, ये देखिए, राइट, राइट हैंड रूल वाली, अगर आप चाहें तो एक और फिगर है मेरे पास, वो भी मैं दिखा सकता हूं, ठीक है, ये देखिए, दिख रहा होगा किस तरीके से राइट हैंड रूल लगाया हमने, ठीक, और पेपर पे क्या हो रहा है ये भी मैंने आपको समझा दिया भाई और बहनों, ठीक है, तो पेपर पे क्या हो रहा है ये भी मैंने आपको समझा दिया। पेपर पे सिंपली एक वायर है, इसमें करंट जा रही है तो इधर हो जाएगा इनवर्ड, इधर होगा आउट, फील्ड यूनिफॉर्म होगी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी।
तो सबसे पहला सेगमेंट हम लोगों ने समाप्त कर लिया भाइयों और बहनों, जो सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा मॉड्यूल के अंदर वो ये रहा सेगमेंट, ठीक है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने निकाल लिया, और वैल्यू की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं सारा, फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला याद होगा आई होप आप लोग को, जिनको याद नहीं रिवाइज जरूर करिए, ठीक। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, या कह लीजिए सर्कुलर लूप, है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कह सकते हैं आप यहां पर, तो सर्कुलर लूप आप इसको लिख सकते हैं। सर्कुलर लूप की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, और कैसे निकाला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भाई और बहनों, राइट, लेट्स सी। देखिए हम लोगों को आप हेडिंग डाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। हालांकि डेरिवेशन से बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो फिर भी डेरिवेशन जान लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर लूप की वजह से। और कहां पर निकालना है, इसके एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस, ये भी बात याद रखना है, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, कहां पर भाइयों बहनों, इसके एक्सिस पे, ठीक। आइए चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कल्पना करने वाले हैं एक सर्कुलर रिंग की, राइट, जस्ट लाइक दिस, और ये है उसका एक्सिस, समझिएगा, इसमें बह रही है करंट, सपोज कर लीजिए आई, ठीक, इसका कुछ कुछ अपना रेडियस होगा, रेडियस कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है जी, और यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए कैसे निकाला जाए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, है ना, छोटा सा सेगमेंट जिसका नाम है डीएल, ठीक, इस डीएल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ये दूरी ओ से पी की दूरी कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, तो ये दूरी कितनी आ गई, स्मॉल आर बराबर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब चूंकि मैं यहां पर तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, ये 3D है, तो अगेन मैं रिंग से समझा देता हूं, फिर मैं यहां डायरेक्ट लिखाऊंगा, राइट। तो देखिए ये है रिंग, और इस रिंग में इस सेगमेंट को हमने चूज करा है, एक छोटा सा सेगमेंट है, तो लगभग सीधा सेगमेंट है, स्ट्रेट सेगमेंट है ना। तो हम एक काम करते हैं कि हम इस सेगमेंट को एक स्ट्रेट सेगमेंट की तरह डील कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि छोटा सा सेगमेंट है लेकिन स्ट्रेट सेगमेंट है, ये लो मैंने पेन को ही बना दिया, ये स्ट्रेट सेगमेंट। अब आप रिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और स्ट्रेट सेगमेंट को ध्यान दीजिएगा, और यहां पर अगेन आ जाइए कलीम, दो डंडी लेकर के आइए, एक बड़ी वाली लाइए, बड़ी वाली लाइए, और ठीक है एक बड़ी दो छोटी लेते आइए, लाइए लाइए। देखिए मैंने मैनुअल और डिजिटल सबको रिमिक्स कर दिया है ना, तो ये पकड़िए इसको, बहुत बढ़िया, ये एक्सिस है समझिएगा, और ये पार्ट है, हमको इस रिंग को अभी के लिए भूल जाना, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक, इसे पकड़ लीजिए, यहाँ पर ये पार्ट था, चाहिए होगा, स्ट्रेट सेगमेंट है और ये एक्सिस है, हमको यहाँ पर निकालना है जहाँ इनका हाथ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये डीएल है और ये वो दूरी है आर, तो डीएल और आर में कितना एंगल है, 90 डिग्री, देखिए कैसे, ये देखिए ये डीएल है और ये आर है, ध्यान दीजिएगा, ये डीएल और ये आर, ठीक, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इतना क्लियर हो गया। अरे भैया ये डीएल और ये आर, अब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, आप सोचिए ये छोटा सा स्ट्रेट सेगमेंट है ना, स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो सर्कुलर फॉर्म में होगी, यानी अगर मैं इसको यहां पर अंगूठा अपना इस डायरेक्शन में रखूं और तो सर्किल बनाऊंगा, ये इतना बड़ा सर्किल बनेगा जिसका ये सेंटर होगा, ध्यान से समझिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी
इस छोटे से सेगमेंट की वजह से, वो भी तो सर्कुलर फॉर्म में होगी। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं यहाँ स्ट्रेट सेगमेंट बताऊं तो ये सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? आप सोचिए ना, मैग्नेटिक फील्ड आएगी सर्कुलर फॉर्म में यूं जस्ट लाइक दिस। अगर करंट ऐसे जा रही है तो इस तरह से आएगी, आएगी? अरे आएगी नहीं आएगी। चलो ये एक्सिस था और ये वो था। तो अगर हम इस वायर को सेंटर मान के एक सर्कुलर फॉर्म में खींचे तो यहां टेंजेंट यूं आएगा। देखो आप सोचो तो, ये सेंटर है, इसको मत देखिए, ये सेंटर है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, टेंजेंट खींचोगे तो इसके परपेंडिकुलर एक फील्ड आ जाएगी, इसकी वजह से पैदा होने वाला फील्ड यही होगा। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डीएल, ये आर, डीएल और आर में 90 डिग्री का एंगल, और इस डीएल की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा टेंजेंट खींचने पर, यह आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी हमको एक बात मिल गई, इस डीएल की वजह से एक डीबी बनेगा, और ये जो डीबी आएगा ये 90 डिग्री पे आएगा। इतना समझ में आ गया? इस डीबी की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। याद करो क्या आता है, म्यू जीरो बाई चार पाई आई डीएल साइन 90 होगा। अरे हाँ या ना, अभी मैंने बताया, बाई में आर स्क्वायर। ठीक, सही जा रहे हैं। थोड़ा और इसको सुसज्जित कर लेते हैं भाई और बहनों। डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो बाई चार पाई आई डीएल बाई में स्मॉल आर का स्क्वायर करो, क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखना जो मैं बनाने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम एक काम करते हैं, इस एंगल को अल्फा कह देते हैं, ठीक, और यहां पर हम एक सीधा सा सेगमेंट मैंने बनाया, राइट, ये बनाया, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होएगा, तो ये भी अल्फा आ जाएगा। ठीक, अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो db का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा db cos अल्फा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा db sin अल्फा। ठीक, दिस वन इज अल्फा, ये 90, अरे ये 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचो 90 डिग्री आएगा, तो 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा। ठीक उसी तरीके से ये वाला भी तो सेगमेंट है कि नहीं है, इस सेगमेंट की वजह से भी तो हम लोग यहां पर एक बनाएंगे डीबी, डीबी इसका ऐसा है परपेंडिकुलर, फिर इस डीबी का भी कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ, क्या हो जाएगा बोलो, डीबी कॉस अल्फा, और इधर क्या आएगा, डीबी साइन अल्फा। ठीक, तो जितने डीबी साइन अल्फा, जितने डीबी कॉस अल्फा होंगे उनका जोड़ा बनेगा, वो इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, जैसे इसका जोड़ा बना है ऐसे, देखो भाई इसका जोड़ा यहां बना है कि नहीं बना है, ऐसे सबके जोड़े बनेंगे और सारे डीबी कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, कौन सा बचेगा, डीबी साइन अल्फा, हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं भाई और बहनों, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीबी साइन अल्फा को। ठीक, चलो डीबी कितना है, म्यू जीरो बाई चार पाई, ऑल राइट, बताओ बताओ बताओ, आई डी एल बाई में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इनटू में साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेन्यूस बोलो जल्दी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप डीएल को ही तो यहां पर इंटीग्रेट करना होगा, और जब डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 पाई आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई और बहनों, 2 पाई आर आ जाएगा। चलो देखो, म्यू जीरो बाई चार पाई बाहर लिया हमने, ठीक बात है, आई बाहर लिया हमने, और नीचे देखो ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और आर भी यहां रहेगा, और इनटू में डीएल का जब इंटीग्रेशन होगा
तो डीएल 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 पूरा जोड़ोगे रिंग के लिए तो क्या आ जाएगा, टू पाई आर आ जाएगा, ठीक। तो पाई से पाई कैंसिल, टू टू जा फोर। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली जो बी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाई में टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। ये आया बी, ठीक, ये बी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर इस सर्कुलर लूप में, अगर इस सर्कुलर लूप में ये जो मैंने बनाया है इस लूप के अंदर एक के बजाय एन टर्न्स होते तो, कैपिटल एन टर्न्स यानी कई चक्कर कई वाइंडिंग की होती तो इन दैट केस क्या हो जाता, वो समझ लीजिए थोड़ा सा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन दैट केस बी की वैल्यू हो जाती म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर, एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा खाली, टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर भाई और बहनों थ्री बाई टू, ठीक। मैं चाहता हूं सेंटर पे निकालना, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे निकालना चाहता हूं। सेंटर का मतलब क्या होता, एक्स की वैल्यू जीरो। आप देख सकते हो यहां पर यही तो x है, ये x है। अगर मैं सेंटर पे जा रहा हूं तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अगर आप सेंटर पे जा रहे हैं तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां पर ये वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो b की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। x अगर जीरो आ गया, ठीक है, x इज जीरो, देन b विल बी मैक्सिमम, ठीक है। आप खुद सोचो, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे b कम होने वाला है, ठीक है। अगर x जीरो कर दिया यानी सेंटर पे आ गए तो वहां पर b मैक्सिमम होगा। तो b मैक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, जरा गौर करिएगा, यहां पर म्यू जीरो एन आई, देखना यहां पर r स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, की पावर जब 3 बाई टू करोगे तो स्क्वायर ये 2 से 2 कट जाएगा तो r क्यूब आएगा, और r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा तो नीचे r बचेगा, तो ये आएगा म्यू जीरो एन आई बाई में 2R। सबसे ज्यादा अगर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो यही वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको कि हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। कहां पर, उसके एक्सिस पर। एक छोटा सा सेगमेंट लिया, डीबी निकाला, कंपोनेंट किया, ऐसे एक दूसरा लिया, डीबी निकाला, कंपोनेंट किया, कैंसिल हो गया, डीबी साइन अल्फा, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। कोई समस्या, कोई दिक्कत, आई होप आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए थोड़ा मॉड्यूल में इसको देखते हैं और कुछ चीजें मैं आपको और डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है भाई बहनों। ये देखिए, ये रहा आपका मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर देखिए सब लिखा हुआ है, स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल आर रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। डीबी कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, डीबी साइन अल्फा जुड़ जाएगा, ये सब कैलकुलेट किया गया है, वही सब पूरा कहानी है, पूरी कहानी करके ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, यह है ना मैक्सिमम वैल्यू। और देखो यहां पर फिगर के लिए जगह छोड़ा हुआ है भाई बहनों, आपके मॉड्यूल में फिगर के लिए जगह छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो अभी मैं इसको हटा करके वो बना दे रहा हूँ, तो आप फिगर निकाल लेना, बना लेना। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आइए आप लोग बोर्ड पे जो मैंने बनाया है इस फिगर को बना लीजिए, या तो डायरेक्ट मॉड्यूल बना लीजिए या जैसे बनाना चाहें वैसे बना लीजिए। ये फिगर है आपके सामने, इसे फिगर को बना सकते हैं, चाहे वीडियो पॉज करके बना लीजिए या बना लीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक। अब एक सवाल आपके मन में और आएगा कि ये जो सर्कुलर लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगा। बना लिया फिगर आपने, बना लिया होगा आई होप, है ना, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे जैसे बना लेना, आप लोगों को क्या बताना, नए एज के लोग हैं आप लोग,
है ना। तो मैं आप लोगों को यहां पर ये फिगर आपने बनाया, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस होता है। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ा वो कैसा पढ़ा, सर्कुलर रिंग कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में, जिसका सेंटर खुद वो वायर था। अब यहां पर कैसा फील्ड होता है, मैं इसको एनसीईआरटी से दिखाता हूं आपको, है ना। थोड़ा एनसीईआरटी भी बीच बीच में लाता रहूंगा मैं। जैसे ये देखिए एनसीईआरटी है आपके पास में, तो बायो सेवर्ड लॉ पूरा है यहाँ पर जिक्र किया हुआ। बायो सेवर्ड लॉ का भाई और बहनों, हमने जो बायो सेवर्ड लॉ कल पढ़ाया था आपको, वो पूरा डिटेल है ना। अभी इसका क्वेश्चन वगैरह मैं कराऊंगा, पहले ये देख लीजिए। ठीक, ये देखो लूप की वजह से हम लोग पढ़ रहे थे, यही तो है टॉपिक। ठीक, और ऐसे ही हम लोगों ने डीबी का कंपोनेंट किया, कंपोनेंट करके ये निकाला। जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसका फिगर इसमें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा, ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये देखिए ये क्वाइल है। जैसे ये क्वाइल बना दिया है, ये थोड़ा क्वाइल डबल बना, और ये करंट जा रही है इसमें, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको, सिंपल। ठीक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें भी राइट हैंड रूल लगाते हैं भाई और बहनों। ये आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, आपके मॉड्यूल में आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो। ठीक, यहां पर है सर्कुलर करंट कॉयल की वजह से। तो यहां पर क्या फर्क आता है, थोड़ा सा फर्क को समझना है, वहां के और यहां के फर्क को हमें समझना है कि सर्कुलर कॉयल में अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अगर कोई कर्व्ड वायर है उसमें करंट जा रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो राइट हैंड रूल लगाते हैं। लेकिन इस बार राइट हैंड रूल थोड़ा सा बदल जाता है, मैं यहीं पर उस राइट हैंड रूल को आपको बता दे रहा हूं, और वो बदलता कैसे है समझिएगा। देखिए इस बार ये जो अंगूठा होता है ना, ये जो उंगलियां होती हैं, ये करंट की डायरेक्शन में होती है। मेरे आर्ट पे मत जाइएगा, बहुत ही शानदार है ये, बस समझ में आना चाहिए आपको। ये हाथ की लकीरें हैं, किस्मत का तेज आदमी, ये करंट को बताती है। तो ये जो अंगूठा है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ठीक, समझ आ गया, सिंपल है। जैसे आपको मैं दिखाता हूं, ये है सर्कुलर रिंग, दिख रहा है आपको, ये करंट यूं जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी, जैसे दिख रहा है, देखो ये देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड यूं है। ठीक, अगर करंट यूं जा रही होती तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती, क्लियर है। तो राइट हैंड रूल दोनों में लगेगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, स्ट्रेट में करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन, इसमें ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चन है इसमें, अरे पूरी एक लड़ी है क्वेश्चन की। ठीक है, बायो सेवर्ड लॉ पे पूरी एक लड़ी है। तो ये मैंने एनसीईआरटी भी आपको दिखा दिया किस तरीके से एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ और क्या सब लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मॉड्यूल ही आपके लिए काफ़ी है, दैट इज़ मोर देन एनफ। अब देखिए यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए ये पेपर पे को हमने कॉयल रख दिया है ना, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे रख दिया कॉयल, यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ बना दिया मैंने कॉयल, और इसमें करंट यूं जा रही हो तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी ये देखो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, आएगी नहीं बाहर की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज करंट जाएगी तो इनवर्ट हो जाएगी। ठीक, यही लिखा हुआ है, देख लो, चाहे मॉड्यूल बना भी लेना ना। देखो कर्लिंग फिंगर किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में, और थंब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दे देगा। यहां पर चाहो आपके पास मॉड्यूल लेकर के बैठे ही होगे आप ये बना लेना जो मैंने अभी बनाया था। ठीक, ये लो बना लो, सुंदर सुशील सा हाथ बना लो, ये बटन्स हैं, किस्मत की रेखाएं हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है और ये करंट को। ठीक, चाहो तो बना लो, मॉड्यूल में ही बना लेना, नहीं नोट्स पे अगर लेके बैठे हो तो आप नोट्स बना लो। देखिए जब आप वीडियो लेक्चर कर रहे हो एकदम डिसिप्लिन होकर बैठना भाई बहनों, बिना डिसिप्लिन मजा नहीं आएगा। फिर क्लास में आप लोग दो घंटे बैठ लेते हैं, ढाई घंटे बैठ लेते हैं ना, तो ऐसे ही एक घंटे मैं वीडियो बहुत लंबी बना भी नहीं रहा हूं, क्योंकि क्लास में आप दो घंटे इज इक्वल टू वीडियो में एक घंटे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।
तो आई होप आपके समझ में ये चीज आ गई होगी कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो डायरेक्शन का जिक्र हमने कर लिया। एक और बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं भाई और बहनों, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैलकुलेशन तो हमने सारे कर लिए हैं, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको, जैसे ये कंप्लीट सर्कल है ना, अगर मैं कहूं कि इसमें करंट जा रही है और आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना आएगा, तो आप फट से कहोगे बी इज इक्वल टू में म्यू जीरो, नंबर ऑफ टर्न्स तो चूंकि एक है तो चाहे एक रह जाए, एन आई बाई में टू आर। अभी अभी ये पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ये सर्किल, ये आर्क कंप्लीट नहीं है, बस इतना सा बना हुआ है, और कहता है कि आप सेंटर बताइए, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। बस फर्क क्या पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला इस नंबर ऑफ टर्न्स को लेकर। कैसे, आप एक काम करिए, ये एक आर्क है ना, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से, है ना, ठीक है। तो ये एक आर्क है और इस आर्क का यहां पर सेंटर है, सपोज कर लीजिए। हम क्या करेंगे, इस आर्क को यहां से जोड़ लेंगे, यू। ये आर्क अपने सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज कर लीजिए थीटा। यहां पर सारा गेम किसका आने वाला है, एन का आने वाला है, किसका आने वाला है, एन का आने वाला है। ध्यान से समझिएगा, जब आपको नंबर ऑफ टर्न्स इस आर्क के लिए निकालना होगा तो आपके पास में एक तरीका यह है, थीटा अपॉन, अगर डिग्री में है, 360 डिग्री। एक तरीका यह है, क्यों, 360 डिग्री का एक चक्कर होता, एक टर्न होता है, तो थीटा डिग्री का कितना आ जाएगा, थीटा भाई 360, अरे कक्षा 5 यूनिटरी मेथड, ठीक है। अगर हम रेडियन में इसी को लिखते हैं थीटा को, तो यहां थीटा रेडियन रहेगा, बाई में 2 पाई रहेगा, ठीक, क्योंकि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होती है, आप ये बात जानते हैं, तो ये आप रख सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि आपको यहां पर ये जो वायर है, कर्ड वायर है, इसकी लंबाई दिया, क्या दिया हो, लेंथ। अच्छा, एक टर्न जो होगा ये पूरा एक चक्कर होगा, एक चक्कर कितना होता है, 2 पाई आर, और अगर एल लंबाई है तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लिखोगे, सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न्स लिखना, इन दैट केस नंबर ऑफ टर्न्स लिखोगे एल अपॉन 2 पाई आर, एल अपॉन 2 पाई आर, ठीक। तो अगर आपके सामने कंप्लीट सर्किल न दे करके अगर एक आर्क दे दिया जाए और उस आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो भी आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बशर्ते नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से निकालेंगे। इस बात का जिक्र आपकी नोट्स में भी किया हुआ है भाई और बहन, ये देखो, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट इट्स सेंटर, तो वहां पर जो एन है, जो एन है उसका देखिए जिक्र कैसे किया हुआ है, रेडियन के केस में या फिर एल के केस में, ठीक। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसे ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में आर्क आया तो आप किस तरीके से क्या डील करने वाले हैं। ऑल राइट, तो आई होप आप समझ गए होंगे और आपने दोनों चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन सीख लिया आपने, है ना, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो एक बारी फिर से हम लोग इसे देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। मेन फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए, पहली चीज तो आपको ये बायो सेवर्ड लॉ याद होना चाहिए, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, बायो सेवर्ड लॉ का ये फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद फिर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा था हमने, ये हमने जाना। फिर हमारे पास एप्लीकेशन में फाइनाइट लेंथ आया, इनफाइनाइट लेंथ आया, उसकी वजह से हमने डायरेक्शन सीखा, सर्कुलर लूप की वजह से हमने वैल्यू और डायरेक्शन सीख लिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इतनी चीज़ें और इतना फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, अब इस पर क्वेश्चंस किया जाए तो कुछ मज़ा आएगा, कुछ आनंद आएगा, क्यों,
तभी तो मजा आने वाला है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ठीक है, आइए मैं आपको वन बाय वन इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाट शुड बी डू। ठीक, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, वो कॉमन क्वेश्चन आपको लिखना है। आप लोग अपनी नोट्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैं बोल बोल करके ये क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा, लेकिन कुछ अपनी तरफ से पहले क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर मैं और आगे का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, राइट, चलिए तो हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग अपनी नोट में एक कॉमन क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड कहना चाहिए, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक, हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं एट पॉइंट ओ। मैं आपको तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाऊंगा। एक्चुअली देखिए, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ा है ना, उसी का मैं एप्लीकेशन कराऊंगा, और जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कोई धरती में माई का लाल नहीं होगा जो दूसरा क्वेश्चन कोई इसके अलावा मिले, नहीं मिलेगा आपको। देर विल बी नो एनी क्वेश्चन अदर देन दिस क्वेश्चन, राइट। जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो इसी के अर्ध इर्द गिर्द ही घूमता हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं एक पहले क्वेश्चन से, बहुत आसान क्वेश्चन से। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हेडिंग के तौर पे डाल लिया होगा। तो बहुत आसान एक छोटा सा वेरी बेबी नुमा क्वेश्चन कराते हैं आपके सामने। यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, कौन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें करंट जा रही है समथिंग लाइक दिस। करंट की वैल्यू है आई, ठीक, आई जा रही है, और ये जो लंबाई है ये एल है, एल कह सकते हो, एल एल एल, जो इसका सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड, इसी का नाम है ओ, इसी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, राइट। तो आप इस फिगर को बना लीजिए और फिर मैं बताता हूं, ठीक, राइट। आई होप ये चैप्टर हम लोग का कल खत्म हो जाना चाहिए ना, कल एमपीए सर्किट लॉ और बाकी है बस, कल नहीं खत्म होगा क्वेश्चन लगाने के चक्कर में, एक आध लेक्चर और हो जाएगा बस, दैट विल बी ओवर, राइट। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमको दिख रहा है कि तीन सेगमेंट है, स्ट्रेट सेगमेंट है, और इन स्ट्रेट सेगमेंट्स के कुछ नाम रख देते हैं ए बी सी। तो तीन सेगमेंट है ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर भी कैसे स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट वाले। तो फौरन दिमाग में को फॉर्मूला आपके गूंज जाना चाहिए। देखो भैया, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि फॉर्मूला क्या पढ़ें, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में फौरन साइन फाइव वन या थीटा वन वट एवर प्लस साइन थीटा टू या फाइव टू जो भी आप कह रहे हैं, आपके दिमाग में फौरन फॉर्मूला गूंजना चाहिए कि भैया ये फॉर्मूला लगेगा, स्ट्रेट सेगमेंट है, फाइनाइट वायर है, कितने सेगमेंट है, तीन। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते अगर आपके पास में कई करंट एलिमेंट्स हैं, कई करंट वाले एलिमेंट हैं, उनकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो उन मैग्नेटिक फील्ड को आप वेक्टर सम रूल से जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, वेक्टर सम, यानी कि अगर नेट बी निकालना है, सुनो भैया लोग, नेट बी निकालना है तो जितने भी सेगमेंट है, बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, सबको आप जोड़ोगे, ठीक, वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। तो अब एक बात समझने की बात है भाई और बहनों, यहां पर बात यह है कि ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है, मैं एक सेगमेंट लेता हूं, ऐसे ही हमारे पास तीनों सेगमेंट है, तो आइए स्ट्रेट सेगमेंट लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, परपेंडिकुलर दूरी, राइट, ज्यादा पतला हो गया क्या, सही है, हाँ ये दूरी, ठीक, अब ये दूरी थोड़ा इस दूरी को हम d बोल देते हैं, ठीक है, हम इसको इस छोर से मिलाएंगे और इस वाले को भी इस छोर से मिलाएंगे, यही तो करते हैं, समझिएगा। अगर ये देखा जाए तो 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाइयों बहनों, 30 डिग्री,
इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, दिस विल बी 30 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री और ये भी आ गया 60 डिग्री। क्लियर? यानी हमारे इस कैलकुलेशन में भाई और बहनों जो फाइव वन आया है, दैट फाइव वन इज 60 डिग्री, फाइव टू इज 60 डिग्री, दो चीजें तो हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब ये डी हमारे सामने समस्या है कि डी कैसे निकालें। जरा गौर करिएगा, ये जो दूरी है ये दूरी आएगी एल बाई टू। क्यों? क्योंकि ये तो इसका सेंट्रोइड है, यानी सेंटर है। यहां से जब परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये दो भागों में बंटता है, ये एल बाई टू हो गया। हमको डी चाहिए। इस ट्राइंगल को देखो, आई होप आप देख पा रहे हो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये 30 डिग्री है। तो आप चाहो तो टेन 30 डिग्री लगा सकते हो, वॉट एवर, जैसे चाहो ऐसे निकाल लो, कई हैं इसमें। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन एल बाय टू, डी अपॉन एल बाय टू। तो डी बराबर यहां से क्या आ गया, एल बाय टू साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है, सॉरी टेन 30, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इट विल बी एल बाय टू रूट थ्री। तो फाइव वन निकल आया, फाइव टू निकल आया और डी भी निकल आया। अब फार्मूले में रख करके हमको वैल्यू निकालना है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया सबके? बोलो हाँ या ना। चलो, तो हम लोग स्ट्रेट सेगमेंट ए बी की वजह से निकालने जा रहे हैं। किसकी वजह से? ए बी की वजह से, ड्यू टू ए बी, ए बी सेगमेंट निकालने जा रहे हैं। चलो निकालो, क्या आएगा बताओ। बी वन इसको कर देते हैं बराबर में म्यू जीरो बाई चार पाई आई बाई में डी, डी की जगह कितना कर दे, एल बाई टू रूट थ्री कर देते हैं, एल बाई टू रूट थ्री इंटू में साइन 60 प्लस में साइन 60। अरे फाइव वन भी 60 था और फाइव टू भी 60 था, तो इट विल बी बी वन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी बता दो मुझे। म्यू जीरो बाई चार पाई, ये साइन 60 साइन 60 रूट थ्री बाई टू होती है वैल्यू, रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री हो गया, सिक्स आई आएगा, रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर आप कर लेना, थ्री टू सिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिक्स आई बाई में एल, डायरेक्शन किधर आएगा जरा गौर करके देखो। अंगूठा अगर आपने करंट की तरफ रखा तो इनवर्ड जाएगा ना, देखो देखो, अंगूठा करंट की तरफ रखेंगे तो ओरिएंटेशन बता रहा है, ओरिएंटेशन कहता है कि इस पॉइंट पे घुसता हुआ होगा, तो इनवर्ड। ठीक, एक बात बताइए, जो सेगमेंट बीसी है भाई, ए बी तो समझ में आ गया, बीसी की वजह से भी तही वैल्यू आएगी, तो बीसी की वजह से लिख लेते हैं एक बार, ड्यू टू बीसी, ड्यू टू बीसी सेम वैल्यू, बी टू बराबर में म्यू जीरो बाई चार पाई और सिक्स आई बाई में एल, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या आएगा, देखो देखो ये, देखो ये ना आपके सामने, देखो डायरेक्शन दिखाते हैं, ये देखो करंट है ना, यू अंगूठे, अंगूठा करंट की तरफ है, इनवर्ड, इसका भी किधर आ गया, इनवर्ड आ गया, कहाँ चला गया, ये रहा इनवर्ड। ठीक, उसके बाद हमें एक और सेगमेंट बचा, कौन सा बताओ, ये देखो, ये सीए बचा कि नहीं बचा, अरे ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, आप सीए पढ़ते हैं, देखो सीए की वजह से, ड्यू टू सीए, यहां भी वैल्यू वही आने वाली है भाई और बहनों, बी थ्री सेम, और इत्तफाक से डायरेक्शन भी सेम आएगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको, डायरेक्शन दिखाऊं, ये देखो ये देखो ये दिखा, अरे अंगूठा इधर है भाई, इनवर्ड ही तो आएगा, इनवर्ड आया, तो इसका भी डायरेक्शन किधर आ गया, इनवर्ड आ गया। अब एक बात देखो, B1 भी इनवर्ड, B2 भी इनवर्ड, B3 भी इनवर्ड, जब हमें इसे जोड़ना है तो हमें इसे वेक्टर से तो जोड़ना है, राइट? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2
प्लस बी थ्री। अब एक बात बताओ, तीनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना हो गया? जीरो डिग्री। अगर एंगल जीरो डिग्री होता है तो क्या हो जाता है? तीनों की वैल्यू सीधे सीधे ऐड हो जाती है, तो नेट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जरा गौर बता दो, जल्दी बता दो, सबकी वैल्यू उठा के सीधे सीधे जोड़ दोगे, जोड़ दो, जोड़ दो, सबकी वैल्यू सेम है। अरे तीन का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तीन का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, सिक्स आई बाई में एल। अच्छा डायरेक्शन किधर आएगी? इनवर्ड आएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई? इनवर्ड आ गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपना दिमाग काम करना चाहिए भैया, ओनली इफ यू हैव राइट, थोड़ा दिमाग आपका काम ये करना चाहिए जी, दिमाग आपका ये काम करना चाहिए भाइयों बहनों, कि हमको दिखा कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर में अपने को दिखा कि यार स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं, स्ट्रेट सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ये चेक कर लिया, तो दिखा कि भैया फाइनाइट वाला है। अरे फाइनाइट वाला फार्मूला नहीं लगाना जानते हो क्या? सीधे फाइनाइट वाला फार्मूला लगा दिया आपने। अरे आपने एक एक पार्ट लिया उसके जैसे निकाल लिया, तो आप लोग इसे नोट कर लो चाहो तो, ठीक है इसे आप नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक। और ऊपर बढ़ाते हैं, देख लो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो सभी लोग, नोट कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, वरना फायदा नहीं होने वाला भाइयों बहनों। बिल्कुल टाइम पास मत करिए, पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाहर चाहे दुनिया में जो भी चल रहा हो, एग्जाम होके रहेगा ये बात श्योर है, और एग्जाम कॉम्पिटिशन से होगा ये भी बात श्योर है। आपको तैयारी करते रहने हैं बाहर चाहे दुनिया में जो भी हो रहा, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, राइट, गुड वन। चलिए कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं, राइट। मैं आपको सामने दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देता हूं, और कल हम लोगों की शुरुआत यहीं से होगी। अगेन मैंने आपसे कहा मैं एक घंटे ज्यादा का लेक्चर नहीं कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या एक घंटे ज्यादा का लेक्चर बनाऊं, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक। फिलहाल आपके सामने दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एक क्वेश्चन यह है कि एक स्क्वेयर है, कौन है? एक स्क्वायर है और उसमें करंट जा रही, इसमें बह रही है करंट आई, और इसका जो साइड है वो है एल, इसके सेंटर पे आपको बताना है, दिस सेंटर इज ओ, ठीक। एक तो ये हो गया, दूसरा जो आपको बताना है वो ये है कि एक ये वायर है, सेमी सर्किल है, और फिर ये वायर है, ये आपके एनसीईआरटी में एज एन एग्जाम्पल भी दिया हुआ भाई, ये है सेंटर, इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक। ये दो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत आसान है, बिल्कुल चूरन चटनी दे रहा हूं, तो इसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसे लगाइएगा, और कल हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आगे शुरू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों के अंदर हम लोग इसे, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हम लोग एक घंटे से ज्यादा का लेक्चर बनाए आपके लिए बेरेबिल होगा, बर्दाश्त के काबिल होगा, अगर होगा तो ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके बीच में लाइव आने वाला हूँ, ठीक है ना, थोड़ी और प्रिपरेशन कर ले तो आपके बीच में लाइव आते हैं, और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। तो फिर मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।